प्राचीन समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने कई गांवों और नगरों में अपने उपदेश दिए। उनके उपदेशों का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन के सत्य, धैर्य, क्षमा और करुणा का महत्व सिखाना था। उनके शिष्यों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शरावस्ती के पास के एक गांव में पहुंचे। यह गांव काफी समृद्ध था, परंतु वहां के लोगों में आपस में वैर भाव और विवाद अधिक था। गांव के मुखिया ने बुद्ध को गांव के बीचों बीच आमंत्रित किया और उनसे प्रार्थना की कि वे ग्राम वासियों को सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ गांव के एक बड़े वृक्ष के नीचे सभा लगाई। गाँव के सभी लोग वहाँ एकत्रित हो गए और बुद्ध ने उनसे कहा, जीवन में दुख और कष्ट का मुख्य कारण हमारे विचार और कर्म होते हैं। यदि हम अपने विचारों और कर्मों को सुधार लें तो हमारा जीवन शांतिमय हो सकता है। गांव के लोग ध्यान से बुद्ध की बात सुन रहे थे। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने हाथ उठाकर पूछा, हे प्रभु, हमें यह बताएं कि अगर कोई व्यक्ति बार बार बुरे कर्म करता है, लोगों को कष्ट पहुँचाता है और अपने कार्यों पर कभी पछतावा नहीं करता, तो क्या उसे क्षमा कर देना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को बार बार माफ करना सही है? यह प्रश्न सुनकर बुद्ध थोड़ी देर मौन रहे। उन्होंने देखा कि इस प्रश्न के पीछे गहरी पीड़ा और चिंता छिपी थी। बुद्ध ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा, तुम्हारे प्रश्न के पीछे कोई घटना अवश्य है, क्या तुम हमें अपनी पूरी बात बता सकते हो? वृद्ध व्यक्ति ने सिर झुकाते हुए कहा, हे भगवान, हमारे गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम देवदत्त है। वह बार बार लोगों के साथ छल करता है, उनसे धन छीनता है और उन्हें अपमानित करता है। गाँव के कुछ लोगों ने उसे कई बार माफ किया, उसे सही मार्ग पर लाने की कोशिश की, परंतु वह हर बार और बुरे कर्म करने लगता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसे माफ नहीं करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, परंतु हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि हमें करुणा दिखाना चाहिए और उसे एक और अवसर देना चाहिए। हम असमंजस में हैं कि हमें क्या करना चाहिए? यह सुनकर बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रश्न केवल तुम्हारे गाँव का नहीं बल्कि पूरे मानव समाज का है। क्षमा और दंड का यह द्वंद हमेशा से रहा है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। गौतम बुद्ध ने एक लंबी सांस लेकर सभी को संबोधित किया और एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, प्राचीन काल की बात है, एक विशाल राज था जिसका नाम कौशल था। कौशल का राजा एक धर्मप्रिय और न्यायी शासक था। उसने अपने राज में कानून और व्यवस्था का सख्ती से पालन किया ताकि राज के लोग सुख शांति से रह सके। राजा के पास अनेक सलाहकार थे, लेकिन उनमें से सबसे खास था एक बुद्धिमान मंत्री जिसका नाम वसुदेव था। वसुदेव का मानना था कि प्रत्येक अपराधी को क्षमा का एक अवसर मिलना चाहिए ताकि वह अपने बुरे कर्मों से पछताए और सुधर सके। बुद्ध ने यह कहकर एक विराम लिया और फिर आगे कहा, राजा के दरबार में एक दिन गंभीर अपराधी को लाया गया। उसने राज के अनेक हिस्सों में लूटपाट की थी और कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी। राजा के सभी लोग उसे दंडित करने की मांग कर रहे थे, परंतु वसुदेव ने राजा से अनुरोध किया कि उसे एक बार क्षमा कर दिया जाए और सुधारने का अवसर दिया जाए। राजा ने वसुदेव की बात मान ली और उस अपराधी को क्षमा कर दिया। गांव के लोग बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, वसुदेव की यह सोच थी कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई छिपी होती है और अगर उसे सही मार्ग मिले तो वह अपने बुरे कर्मों से तौबा कर सकता है, परंतु उस अपराधी ने अपनी क्षमा का गलत फायदा उठाया। कुछ समय बाद उसने फिर से अपराध किए और इस बार उसने राज के सबसे बड़े मंदिर को लूट लिया। राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अब उस अपराधी को कठोर दंड देने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध ने फिर से एक विराम लिया और लोगों की ओर देखा। इस कहानी से क्या हमें यह सीख मिलती है कि सभी अपराधियों को माफ करना गलत है? उन्होंने पूछा। वृद्ध व्यक्ति जिसने प्रश्न किया था ने धीरे से कहा, शायद नहीं। बुद्ध ने
सिर हिलाते हुए कहा, यह सत्य है कि हर बार माफी देना सही नहीं होता। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आप अन्याय को प्रोत्साहित करें। क्षमा तब दी जानी चाहिए जब हमें यह विश्वास हो कि व्यक्ति सच में अपने बुरे कर्मों से पछताए और सुधरेगा। लेकिन अगर कोई बार बार बुरे कर्म करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए, ताकि वह और समाज को यह समझ में आए कि बुरे कर्मों का परिणाम क्या हो सकता है। बुद्ध की इस कहानी से गांव के लोग सोच में पड़ गए। अब तक वे समझ नहीं पा रहे थे कि देवदत्त के मामले में उन्हें क्या करना चाहिए। तब गांव के मुखिया ने खड़े होकर कहा, भगवान हमें आपकी सहायता चाहिए, क्या आप हमारे गांव में न्याय स्थापित कर सकते हैं? देवदत्त ने कई लोगों को कष्ट पहुंचाया है और हमें नहीं पता कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे गाँव में न्याय करने नहीं आया हूँ, मैं केवल मार्गदर्शन दे सकता हूँ, परंतु निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होगा। यह तुम्हारे भीतर की करुणा और न्याय की परीक्षा है। यह सुनकर गांव के लोग बुद्ध से मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहे और बुद्ध ने अपनी शिक्षा के अनुसार उन्हें एक और कहानी सुनाने का निर्णय किया। गौतम बुद्ध ने सभी से कहा, किसी भी समाज में न्याय और क्षमा के बीच संतुलन बनाना कठिन होता है। एक और कथा सुनो जिससे यह समझने में आसानी होगी कि कठोरता और करुणा का संतुलन कैसे साधा जा सकता है। उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक ऋषि थे जिनका नाम था अरुणी। वे अपने आश्रम में बच्चों को शिक्षा देते थे और उन्हें धर्म नीति और अध्यात्म की शिक्षा देते थे। उनके एक शिष्य ने एक बार चोरी की और आश्रम के नियमों का उल्लंघन किया। ऋषि ने उसे माफ कर दिया यह सोचकर कि वह सुधर जाएगा, लेकिन वह शिष्य फिर से वही अपराध करने लगा। अब ऋषि के सामने यह सवाल था कि क्या उसे माफ कर दिया जाए या उसे दंड दिया जाए। गौतम बुद्ध ने इस कहानियों को यहीं रोक कर कहा, इस प्रकार की परिस्थिति का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है, जहां उसे निर्णय लेना होता है कि किस हद तक क्षमा की जानी चाहिए और कहां दंड आवश्यक है। गौतम बुद्ध की कहानी सुनने के बाद गांव के लोग गहरे सोच में पड़ गए। देवदत्त का नाम आते ही गांव का माहौल भारी हो गया। कुछ लोग गुस्से में थे क्योंकि देवदत्त ने न केवल गाँव के धनिकों से बल्कि गरीबों से भी छल किया था। उसकी चलाकी और क्रूरता ने पूरे गांव को दो भागों में बांट दिया था। एक और कुछ लोग यह मानते थे कि देवदत्त को एक और मौका दिया जाना चाहिए, जबकि दूसरी ओर कई लोग यह सोचते थे कि उसे कठोर दंड दिया जाए ताकि भविष्य में कोई और व्यक्ति ऐसा करने की हिम्मत न करे। गांव का मुखिया, जिसने बुद्ध को गांव में आमंत्रित किया था, अब वह उल्लास में था। उसने सभा में खड़े होकर कहा, हमारे गाँव में न्याय और क्षमा के बीच संतुलन कैसे बने यह समझना कठिन है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि क्षमा का महत्व है, परंतु हमें न्याय भी करना चाहिए। परंतु प्रश्न यह है कि कितनी बार क्षमा करनी चाहिए और अब दंड देना आवश्यक हो जाता है। मुखिया की बात सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बोलना शुरू किया, गुरुदेव की शिक्षाएं हमेशा करुणा और क्षमा की ओर इशारा करती हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अपराध को बिना परिणाम के छोड़ दिया जाए। देवदत्त ने बार बार अपराध किए हैं और यह गाँव के लोगों का कर्तव्य है कि वे न्याय करें। यदि उसे बार बार क्षमा किया जाता है तो वह और भी अधिक निर्दयी बन जाएगा। इस पर एक वृद्ध महिला, जिसका बेटा देवदत्त के छल के कारण कंगाल हो गया था, आंसू बहाते हुए बोली, हमने उसे पहले भी क्षमा किया था यह सोचकर कि वह सुधर जाएगा, लेकिन उसने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। क्या हमें बार बार माफ करना चाहिए? क्या यही न्याय है? बुद्ध ने उसकी बात सुनकर सभी की ओर देखा और बोले, किसी व्यक्ति को माफ करना तब सार्थक है जब तक हमें यह विश्वास हो कि वह व्यक्ति अपने कर्मों से पश्चाताप करेगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है और क्षमा का दुरुपयोग करता है तो उसके कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। क्षमा का यह अर्थ नहीं है कि आप अन्याय को नजरअंदाज कर दें। गौतम बुद्ध ने गांव के लोगों को शांत किया और कहा, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे यह समझने में आसानी होगी कि न्याय और अनुशासन का महत्व क्या है। बुद्ध ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, बहुत समय पहले एक राज में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। वह हमेशा अपने राज के लोगों के भले के लिए कार्य करता था। लेकिन उसके राज में एक दुर्त व्यक्ति था जिसका नाम धानु था। धानु ने राज के कई व्यापारियों से छल किया, उनके धन को लूट लिया और राज के कानूनों का उल्लंघन किया। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने धानु को अपने दरबार में बुलाया और उससे उसके अपराधों के बारे में पूछा। धानु ने रोते हुए राजा से क्षमा की भीख मांगी और वादा किया कि वह अब कभी कोई अपराध नहीं करेगा।
राजा के मंत्री ने उसे माफ करने की सलाह दी, यह कहते हुए कि हर किसी को एक अवसर मिलना चाहिए। राजा ने धान को माफ कर दिया और उसने सुधरने का एक अवसर दिया, लेकिन कुछ समय बाद धान ने फिर से वही अपराध किए और इस बार उसने राजा के गरीब किसानों से उनकी जमीनें छीन ली। बुद्ध ने गांव के लोगों की ओर देखते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों का सामना नहीं करता तो वह यह समझने लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है और उसे कोई दंड नहीं मिलेगा। इस बार राजा ने धान को कठोर दंड देने का निश्चय किया ताकि वह और राज्य के अन्य लोग यह समझ सके कि अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। बुद्ध की यह कहानी सुनकर गांव के लोग सोचने लगे कि देवदत्त के साथ क्या करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, जबकि अन्य लोग उसे सजा देने की बात कर रहे थे। अब तक देवदत्त गांव से भागा नहीं था और वह अपने कृत्यों के लिए तैयार खड़ा था। उसने सोचा था कि बुद्ध शायद उसे माफ कर देंगे, जैसा कि उन्होंने अतीत में कई बार दूसरों को माफ किया था। मुखिया ने गांव के प्रमुख लोगों की एक सभा बुलाई जिसमें बुद्ध और उनके शिष्य भी शामिल थे। सबने मिलकर देवदत्त के मामले पर चर्चा की। गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना था कि यदि देवदत्त को माफ कर दिया जाए और उसे गांव में सुधार के लिए एक और अवसर दिया जाए, यह करुणा होगी। लेकिन कुछ युवा पुरुष जिनके परिवार देवदत्त के कारण बर्बाद हो गए थे, उसे कठोर सजा देने की मांग कर रहे थे। इस कठिन परिस्थिति में बुद्ध ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, बल्कि गांव के लोगों को ही निर्णय करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा गांव है, तुम्हें यहां के लोगों का भविष्य तय करना है। मेरा काम केवल तुम्हें सही मार्ग दिखाना है, परंतु तुम्हें निर्णय स्वयं लेना होगा। आखिरकार मुखिया ने निर्णय लिया कि देवदत्त को उसके अपराधों के लिए दंडित किया जाएगा, लेकिन इस दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं होगा, बल्कि उसे अपने कृत्यों का पछतावा हो और वह सुधार की ओर अग्रसर हो। गांव के लोगों ने देवदत्त को कुछ समय के लिए गांव से निष्कासित करने का निर्णय लिया ताकि वह अपने कार्यों के बारे में सोच सके और पश्चाताप कर सके। गांव से निष्कासित किए जाने के बाद देवदत्त ने अपने अकेलेपन में अपने कृत्यों पर विचार करना शुरू किया। पहले तो उसे यह निर्णय अनुचित लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि उसके बुरे कर्मों ने न केवल गांव के लोगों को कष्ट पहुंचाया, बल्कि उसे भी भीतर से खोखला कर दिया था। वह अपने स्वार्थ, लालच और अहंकार के कारण दूसरों का शोषण करता था और अब इसे इसका फल भुगतना पड़ा। कई महीनों तक देवदत्त ने जंगलों और पहाड़ों में भटकते हुए अपने कृत्यों के बारे में गहराई से विचार किया। उसे अपने भीतर का अंधकार दिखाई देने लगा और धीरे धीरे उसके पश्चाताप की भावना जागृत हुई। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में सुधार करेगा और अपने बुरे कर्मों को प्रायश्चित करेगा। एक वर्ष बाद देवदत्त गांव में वापस लौटा। इस बार वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसका हाव भाव, चाल ढाल सब कुछ बदल चुका। उसने गांव के मुखिया के पास जाकर अपने किए हुए सभी अपराधों के लिए माफी मांगी। उसने कहा, मैं समझ चुका हूँ कि मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं और अब मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझसे अतीत में बहुत गलती हुई है, लेकिन क्या मुझे सुधारने का एक और अवसर मिल सकता है? मुखिया और गांव के लोग जो पहले उससे नाराज थे, अब उसके बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। बुद्ध जो अभी भी गांव में थे ने कहा, हर व्यक्ति को अपने जीवन में परिवर्तन का अवसर मिलना चाहिए। अगर देवदत्त सच में अपने कर्मों से पछतावा कर रहा है और सुधरना चाहता है तो उसे यह अवसर दिया जाना चाहिए, परंतु यह निर्णय तुम्हारे हाथों में है। गांव के लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और देवदत्त को एक और अवसर देने का निश्चय किया। लेकिन इस बार देवदत्त को गांव के नियमों का पालन करना था और उसने गांव की भलाई के लिए काम करने का वचन दिया। देवदत्त का परिवर्तन गांव के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गया। गांव के लोगों ने यह समझा कि न्याय और क्षमा के बीच संतुलन आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है और अपने अपराधों का पश्चाताप नहीं करता तो उसे दंडित किया जाना चाहिए ताकि वह और समाज यह समझ सके कि अन्याय और बुराई का अंत होता है। लेकिन साथ ही अगर किसी व्यक्ति में सच में सुधार की भावना हो तो उसे माफ करना और एक और अवसर देना करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। गौतम बुद्ध ने अंत में सभी ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो बुरे कर्म करता है उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे।